दिवसीय वाइगीर मेला पानीगांव भूतिया में 21 सितंबर से होगा शुरू। प्रत्येक शनिवार को उपवास रहकर वाइगीर कर रहे मंत्रों का आह्वान। वृंदावन 250 वर्ष पूर्व से हर वर्ष की भांति पानीगांव भूतिया में निभाते हुए आ रहे वाइगीर मेले की परंपरागत अनुसार 3 दिवसीय वाइगीर मेला का आयोजन इस बार आधी भादो माह की बलदेव छठ पर्व पर 21 सितंबर को होगा, जिसमें कंठमाला, विश्वेल के मरीजों का थाली की थाप पर रामायण और मंत्रों के माध्यम से जौ उछाल कर सैकड़ों वाइगीरों द्वारा दूर दराज से आने वाले हजारों मरीजों का निःशुल्क रूप से इलाज किया जाएगा। वहीं सर्प, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के द्वारा काटे गए मरीजों का वाइगीरों द्वारा मंत्रों के माध्यम से झाड़ फूंक कर पानीगांव भूतिया में निःशुल्क रूप से इलाज किया जाता है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बताते चले कि पानीगांव में गंगा जी मंदिर, हनुमान बगीची और मदाथौक अखाड़ों पर 3 दिवसीय वाइगीर मेला का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर भूतिया में भी वाइगीरों द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कल रविवार दोपहर को पानीगांव में हनुमान बगीची वाइगीर अखाड़े पर सभी वाइगीरों के द्वारा मेला को लेकर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मेला प्रबंधन गिरव सिंह भगत जी द्वारा सभी वाइगीरों को गुरु मर्यादा के तहत साफ साफ निर्देश दिए गए कि मेला में कंठमाला, विश्वेल का इलाज कराने को आने वाली पीड़ित महिलाओं और बहनों के साथ अपनी बहन बेटी जैसा व्यवहार और बर्ताव करते हुए निःशुल्क रूप से इलाज करे। साथ ही बताया कि मेला में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, बिहार, मुंबई, दिल्ली तक के मरीज कंठमाला, विश्वेल के साथ साथ सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतुओं के काटे हजारों मरीज यहां अपना इलाज कराने को आधी भादो माह की बलदेव छठ पर आते हैं। गिरवरदास, यह मेला जो लगता है वो किस नाम से जाना जाता है और कितने दिनों तक चलता है? अखाड़ा लगता है 3 दिन के लिए। क्या नाम है? अखाड़े का नाम है बाईगी मंडल, पानीगांव, हनुमान बगीची। इस बार मेला कब से लगना था? 21 तारीख से शुरू होगा। आज जो मीटिंग हुई है उस पर क्या चर्चा की गई? इसमें गुरु मर्यादा दी जाती है, अच्छे कर्म करो, बहन बेटी करके इलाज करो, नियम संयम का पालन करो। मेले में किस किस रोगों का इलाज होता? विश्वेल और कंठमाला और सर्प काटने का झाड़ा। इस समय तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं, सभी लोग व्रत में हैं। हर शनिवार को व्रत रखा जाता है, मंत्रों को आह्वान किया जाता है। कहाँ कहाँ के मरीज आते हैं? मरीज तो काफ़ी दूर से, पंजाब से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, बम्बई से भी आते हैं और अपनी एरिया से, सब में से आते हैं, मेरठ वगैरह से। जो इलाज करते हैं वाइगी, कितने लोग हैं? तकरीबन हमारे में 250-300 आदमी कार्यकर्ता हैं। ये कब से चली आ रही परंपरा? ये परंपरा कम से कम 250 वर्ष पुरानी से चली आ रही है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।